कोका कोला कैसे एक जख्मी फौजी की दवा दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक बन गई। इतिहास का पन्ना पलट के देखे तो हम देखते हैं कि कोका कोला एक फार्मेसी ने दवा की खोज के दौरान बनाया था। शुरुआत में घाटा भी हुआ, लेकिन विज्ञापन और कई मालिकों के नए नए आइडिया ने उसे नंबर वन ब्रांड बना दिया। अमेरिका में गृह युद्ध जारी था। इस दौरान साल 1865 में जॉन पेम्बर्टन नामक एक लेफ्टिनेंट कर्नल बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके जख्म उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। दर्द से राहत पाने के लिए पेम्बर्टन ड्रग का नशा करने लगा और फौज की नौकरी छोड़ दी। कोलंबस के बदले जॉर्जिया में रहने लगा। जख्म ठीक हुए, लेकिन ड्रग्स लेने की उसे लत लग गई। इसके बदले उसने इसका विकल्प ढूंढना शुरू किया। बता दे कि पेम्बर्टन ने फौज में नौकरी करने से पहले फार्मेसी का कोर्स भी किया था। वो अपने इलाज के लिए रिसर्च करता रहा, लेकिन उसे हर बार निराशा ही लगी। अंत में पेम्बर्टन 1870 के आसपास अमेरिका के बड़े शहर एटलांटा में जाकर बस गया। अमेरिका में गृह युद्ध भी समाप्त हो चुका था। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन पेम्बर्टन को जीवन में कुछ खास सफलता नहीं मिली। आगे उन्हें अमेरिका के एक और साथी का साथ मिला, जिसका नाम फ्रैंक रॉबिन्सन था। उसके साथ मिलकर एक केमिकल कंपनी खोली। फ्रैंक अकाउंट और मार्केटिंग देखने लगा। पेम्बर्टन अपने उस पे पदार्थ पर दोबारा से काम करने लगा जो ड्रग्स का विकल्प हो सकता था, जिस पर उसने सालों मेहनत भी की थी, लेकिन इस बार भी उसे निराशा हाथ लग रही थी। मई 1886 को दोपहर के समय पेम्बर्टन ने एक तरल पदार्थ बनाया। उसे वो जेकब फार्मेसी ले गए। उसमें सोडा पानी मिलाने के बाद लोगों को टेस्ट कराया। उन्हें उसका स्वाद काफी पसंद आया। फ्रैंक रॉबिन्सन ने इसको कोका कोला नाम दिया। इस मिश्रण में कोरा अखरोट से कोका पत्ती और उसमें मिलाए गए कैफीन वाले सिरप के नुस्खे को कोका कोला के नाम से जोड़ा था। फ्रैंक का मानना था कि नाम में डबल सी होने से फायदा होगा, जो आसानी से लोगों की जुबान पर भी आ जाएगा। बहरहाल, कोका कोला को बेचने के लिए प्रति गिलास 5 सेंट का मूल्य तय किया गया। The 8th of May 1886 को जेकब फार्मेसी पर पहली बार कोका कोला को बेचा गया। पहले साल में दिन भर में केवल 9 गिलास के हिसाब से बिक्री हुई। एक साल में महज 25 गैलन की खपत हुई। $50 के करीब की कमाई हुई थी, जबकि उसकी लागत $70 से अधिक थी। इस तरह शुरुआत में नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन आज दुनिया भर में करीब 2 अरब से अधिक इसकी बोतलें रोज बिकती हैं। वहीं एक शताब्दी के बाद कोका कोला कंपनी ने 10 अरब गैलन से अधिक सिरप का उत्पादन किया था। साल 1887 में अटलांटा के एक फार्मासिस्ट बिजनेसमैन आसा ग्रिग्स कैंडलर ने पेम्बर्टन से $2,300 में इसके फॉर्मूले को खरीद लिया। बदकिस्मती से कोका के सफल होने से पहले 1888 में जन्मदाता जॉन पेम्बर्टन का देहांत हो गया। कैंडलर ने कोका कोला को सफल बनाने का एक आइडिया निकाला। उन्होंने लोगों को इसकी लत लगाने के लिए मुफ्त में पीने का कूपन दिया। फिर लोगों को कोका कोला का स्वाद ऐसा लगा कि वे इसे खरीद कर पीने लगे। कैंडलर ने कैलेंडर, पोस्टर इत्यादि के द्वारा विज्ञापन भी किए, जिससे ग्राहकों को लुभाया जा सके। विज्ञापन से कंपनी को फायदा मिला। साल 1890 तक कोका कोला अमेरिका का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुका था। कहा जाता है कि सिर दर्द व थकान से निजात दिलाने के लिए दवा के तौर पर भी कोका का इस्तेमाल किया जाता था। खैर, इसको लेकर विवाद भी हुए थे। बहरहाल, इसकी सफलता के लिए कैंडलर को श्रेय दिया जा सकता है। साल 1894 में जोसेफ बीडेनहॉर्न नामक व्यवसायी ने कोका कोला को बोतल में डालकर बेचने लगा। इस आइडिया को अपनाने के लिए उसने 12 बोतलें कैंडलर को भी भेजी। कैंडलर को उसका यह आइडिया काफी पसंद आया। इससे पहले उन्हें इसका जरा से भी ख्याल नहीं आया था। अब कोका कोला को आसानी से बोतल में कहीं भी ले जाया जा सकता था। साल 1903 के बाद से कंपनी ने कोकीन की मात्रा को कम करते करते लगभग समाप्त ही कर दिया। बाद में कोकीन की पत्ती का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ कोका कोला लोगों की पसंद बन गई थी। ऐसे में तमाम पूंजीपतियों ने इसके व्यापार में उत्सुकता दिखाई।
इस लिहाज से कंपनी ने नकली प्रोडक्ट्स का भी खतरा महसूस किया। कंपनी उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिए एक ऐसे बोतल बनाना चाहती थी जिससे उन्हें असली और नकली कोक की पहचान हो सके। तब रूट ग्लास नामक कंपनी ने कोक के लिए एक बोतल तैयार की जिसे कोका कोला कंपनी ने अप्रूवल दे दिया। साल 1916 में कंपनी ने उस बोतल का बनाने का कार्य शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने उत्पाद व ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया। ग्राहकों को वास्तविक मांग की मांग और कोई विकल्प स्वीकार नहीं टैगलाइन के द्वारा सचेत किया गया। कोका कोला को अमेरिका के साथ कनाडा, पनामा, फ्रांस और क्यूबा जैसे अन्य देशों में इसे बेचा जाने लगा। साल 1923 में रॉबर्ट वुड्रफ ने कैंडलर से कंपनी को खरीद लिया। रॉबर्ट कंपनी के तीसरे मालिक बने थे। उन्होंने दुनिया भर में कोका कोला के बिजनेस को बढ़ाया। रॉबर्ट ने कंपनी को बुलंदियों तक ले जाने के लिए काफी मेहनत की। साल 1928 में पहली बार ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर भी कर रही है। विज्ञापन के माध्यमों से कोका कोला को बड़ी सफलता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल था। हजारों अमेरिकी सैन्य बल दूसरे देशों में भेजे गए। ऐसे में कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट वुड्रफ ने फैसला लिया और कहा कि हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतल 5 सेंट में मिलती है, मगर सिपाहियों पर कंपनी खर्च करेगी। युद्ध के दौरान सिपाहियों ने कोका कोला का आनंद उठाया। कोक को देशभक्ति से भी जोड़ा जाने लगा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान सैनिकों ने लगभग 5 अरब बोतलें कोका कोला की पी गए थे। बहरहाल कंपनी के इस फैसले ने उसकी खूब ब्रांडिंग की। युद्ध समाप्त होने के बाद कंपनी ने विदेशों में और भी ब्रांच खोले। इसके बाद इसके विज्ञापनों की टैगलाइनों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। साल 1971 में इटली में विश्व के कई देशों के युवकों का एक बड़ा समूह पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा होकर कोका कोला के लिए अपील की। तब उनके द्वारा दी गई आई लाइक टू द वर्ल्ड ए कोक पंच ने कमाल कर दिया था। कोका कोला कंपनी जल्द ही लोगों के दिलों पर राज करने लगी। समय के साथ कोका कोला कंपनी अपना विस्तार करती जा रही थी। साल 1990 में जर्मनी में भी कंपनी ने अपने ब्रांच खोले। फिर साल 1993 में कोका कोला ने पहली बार भारत की ओर रुख किया। यह वह समय था जब कोका कोला कंपनी पेय पदार्थों के कई प्रोडक्ट्स बनाने लगी थी। साल 1997 में अरब में भी बेचा जाने लगा। आज कंपनी करीब 400 से अधिक ब्रांडों के साथ मिलकर अपने कई प्रोडक्ट्स को देश विदेश में बेचती है। लेकिन नंबर वन ब्रांड बनने के बावजूद कंपनी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला बैन है। वही साल 1950 में भी फ्रांस में इसका विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कोका कोला से भरी पूरी ट्रक को पलट दिया था। वही शुरुआत में सोवियत संघ भी इसके विरोध में थी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इराक पर हमला किए जाने पर लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स को सड़कों पर बहाकर अपना विरोध जताया था। खैर इन सब के बावजूद आज कोका कोला करोड़ों लोगों की पहली पसंद है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।